प्रभु प्रभाव सूचक हे नाथ, आप जो कह रहे हैं एक परम संत चला चल के स्वामी इस सुंदरा प्रतिज्ञा तीनों लोगों में जो कुछ भी होता है वो सब आपके प्रभाव से ही होता है भैया। अगर यह एक पत्ता भी हिलता है तो आपके इच्छा के अनुसार ही हिलता है भैया। हे नाथ, यह सुख दुख दोनों दे है प्रभु, सुख ही सुख के दायक है। जैसे सूर्य के उदय होने से तारों के झुंड मलिन हो जाया करते हैं, उसी प्रकार से आपके आगमन मात्र से स्वयं भूमि में आए हुए समस्त देश देशांतर के राजगण बलहीन हो गए। नाथ, यदि भक्तों का हृदय कमल सा है तो भाई आप दिवाकर है, यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर है भैया। यही तो आपकी महानता है, जब देखो तब आप मेरी ही बड़ाई करते रहते हैं। अनुज, कहिए भैया। अब बातें करते ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है और गुरुदेव जी की पूजा वंदन का भी समय हो चुका है, इसलिए अब शीघ्र गुरुदेव जी के पास चलना चाहिए। महाराज की अग्रपे मानिंद्र सबके अग्रपे मानिंद्र सबके राजशाही ताज का दिनों दिन रुतबा बढ़े। जय हर श्री महाराज का सर झुके कदमों में आकर दुश्मनों ना पाक का फलक तक झंडा लहराए। नाथ के प्रताप का नित्य गान हो सदा, नित्य गान हो सदा, भरपूर आठो याम हो, माफ हो तकसीर नाथ, मुझ मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो महामंत्री। महामंत्री तुम ये तो बताओ कि है खुशी या गम, जनकपुर में प्रजा की क्या चाल है, धर्मशाला पाठशाला और मेरी गौशाला का क्या हाल है भैया, बताओ महामंत्रीवर। महाराज, आज के द्वारा चलाए गए सभी नियमों का पालन सुचारू रूप से हो रहा है महाराज, और आपके प्रजा में सब प्रकार से कुशलता ही कुशलता है। हे महाराज, यह नहीं है किसी अन्य देश की बस्ती, ये जनकपुर की बस्ती है। अवन चलती पवन चलती, वर्षा सुख से बरसती है, मणिक व्यापार करते हैं, प्रजा में खुशहाली है, बज रहा न्याय का डंका, ये अभय की कोतवाली है। हे महाराज, आपके राज्य में सब प्रकार से कुशल ही कुशल है भगवान। धन है महामंत्री, हमें आवश्यक मंत्रियों की देन सी, हमें हमारे राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि नर्क है वह राज्य जहाँ की प्रजा मूर्ख और अनपढ़ है, क्योंकि प्रजा ही राज्य की जड़ है और प्रजा ही राज्य की रौनक है। जब जड़ ही खोखली होगी तो
वो पत्ता कब हरा होगा,